भैरव ने मारा, राज को चाटा, राज को भैरव ने घर से निकाला। वेल, हम बात कर रहे हैं कलर्स टीवी के पॉपुलर टीवी सीरियल शेर दिल शेर गिल की। आज के एपिसोड में हमने देखा कि शेर गिल भैरव और बाकी घर वालों को राज के स्टैंड अप कॉमेडी करने और मामा जी यादव होने की बात बताती है। वही मनमीत राज को पूरी सिचुएशन और घर वालों से राज का बताने का रीजन भी बताती है। निराली भैरव से मनमीत के बारे में बात करती है। भैरव राज के पीठ में छुरा घोंपने की बात भी कहता हुआ दिखाई देता है। वही ट्रैक में आगे हमने देखा कि भैरव राज को थप्पड़ मारता है, भैरव राज पर चिल्लाता हुआ भी नजर आता है। राज से भैरव सभी रिश्ते नाते तोड़ के उसे घर से बाहर भी निकालने की बात कहता है। पुनीत मनमीत से राज के बारे में बातचीत करती हुई दिखाई देती है। वही मनमीत पुनीत से बात करती है और राजकुमार से प्यार करने की बात भी उसे बताती है। मनमीत पुनीत से बात करते हुए काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाती है। मनमीत राज को तूफान बताती हुई भी नजर आती है। वही ट्रैक में आगे हमने देखा कि मनमीत अपनी फीलिंग्स को पुनीत के सामने एक्सप्रेस करती है और रोने लगती है। मनमीत राज को सपने में अनमोल के ना होने की बात भी कहती है। वहीं राज को ना करने की वजह भी मनमीत अनमोल को बताती है। मनमीत बिना प्यार के जिंदगी बिताने की बात भी पुनीत से कहती है। राज को मनमीत की कही बातें याद आ रही होती है। वहीं राज भैरव से बात करने घर वापस आ जाता है। राज भैरव से खुश ना होने की बात करता है। वहीं राज अपने सिडनी के सपने के बारे में भी भैरव को बताता है। राज भैरव को अपना पासपोर्ट भी देता है। वहीं कभी भी स्टैंड अप कॉमेडी ना करने की बात कहता है। वही ट्रैक में आगे हमने देखा कि भैरव राज को गले लगा लेता है और उसे माफ भी कर देता है। वेल, अपकमिंग ट्रैक में ये देखना दिलचस्प होगा राज का मैनेजिंग डायरेक्टर बनना लाएगा राज और मनमीत की स्टोरी में कौन सा नया ट्विस्ट। आपका अपकमिंग ट्रैक के बारे में क्या कुछ है कहना हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। टीवी शोज की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।